हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मांसपेशी तंत्र से रिलेटेड कुछ वन लाइनर क्वेश्चन बताऊंगी। दोस्तों, एक वन लाइनर क्वेश्चन कम से कम 150 क्वेश्चन है और ये एक पार्ट में पूरा नहीं होगा, ये तीन चार पार्ट में डिवाइड होगा। ये पार्ट वन है, इसमें कुछ क्वेश्चन है। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है कि मांसपेशी की कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है पेशी तंतु यानी फाइबर, ठीक है। एंड मांसपेशी की संकुचन की इकाई किसे कहते हैं। नेक्स्ट है तो सार्कोमियर। सार्कोमियर दोस्तों, जो हमारे मांसपेशी की जेड लाइन होती है, यानी जो बाहरी परत बनाती है जेड लाइन, जो सार्कोलेमा के द्वारा, तो दो जेड लाइनों के बीच जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होता है। हमारे फाइबर में दो प्रोटीन पाए जाते हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन में भी दो प्रोटीन पाए जाते हैं, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। तो जो दो जेड लाइनों के बीच स्थान होता है एक्टिन और मायोसिन का, उसी को सार्कोमियर बोलते हैं। और इसी एक्टिन मायोसिन में संकुचन होता है, एक्टिन के मायोसिन फिलामेंट से सरकने से हमारे मांसपेशी का संकुचन होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। मांसपेशी के अध्ययन को मायोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि पेशी कोशिकाएं भ्रूण की किस अवस्था से उत्पन्न हुई हैं। तो पेशी कोशिकाएं जो है भ्रूण के मीसोडर्म से बनते हैं, बट अपवाद है। अपवाद में क्या है कि आंखों की आयरिस एवं सीलियरी मसल जो है वो भ्रूण के एक्टोडर्म से बनी होती है। क्वेश्चन जब पूछेगा कि पेशी कोशिका किस भ्रूण की किस अवस्था से बनी होती है, तो मीसोडर्म से। एंड जब आयरिस एंड सीलियरी मसल्स के बारे में पूछेगा, ये अपवाद है, तो ये एक्टोडर्म से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। और हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं, 639, ठीक है। यानी ये शरीर के भार का कितना है, 45%, ठीक है। 40 से 45% भाग हमारे शरीर के भाग का है मांसपेशियां। मेरे पूरे शरीर में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उसमें से 45% केवल मांसपेशी पाई जाती है। हमारे मांसपेशी में 1/4 भाग प्रोटीन एंड 3/4 भाग पानी पाया जाता है, ठीक है। 3/4 भाग का मतलब 75% के लगभग पानी पाया जाता है एंड 25% के लगभग प्रोटीन। सर्वाधिक पेशियां हमारे शरीर में कहाँ पर पाई जाती हैं। हमारे शरीर में सर्वाधिक पेशियां जो है हमारे पीठ में पाई जाती हैं, लगभग 180 पेशियां पाई जाती हैं, ठीक है। एंड मुस्कुराने के दौरान हमारे मुख में कितनी मांसपेशियां कार्य करती हैं। तो 12 पेशियां कार्य करती हैं। जब कोई इंसान मुस्कुराता है तो उसमें 12 पेशियां कार्य करती हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशी कोशिका जो है किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरी रहती है। तो हमारी मांसपेशी कोशिका जो है सार्कोलेमा से जुड़ी रहती है, घिरी रहती है। जैसे हमारी कोशिका सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली से चारों तरफ से घिरी रहती है, उसी प्रकार हमारे मसल्स फाइबर जो होते हैं, मांसपेशी कोशिका जो होती है, वो चारों तरफ से सार्कोलेमा से घिरे रहते हैं, ठीक है। सार्कोलेमा एक झिल्ली होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी कोशिका के जो द्रव्य को क्या कहते हैं। मांसपेशी कोशिका के अंतर एक द्रव भरा रहता है, उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। तो मांसपेशी कोशिका के अंदर जो द्रव्य को सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और सार्कोप्लाज्म में पाए जाने वाले तंतु को क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कितने एटीपी उत्पन्न होते हैं।
तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में 2 ATP उत्पन्न होते हैं। दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया हमेशा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनएरोबिक क्रियाओं में उत्पन्न होता है। ये अनएरोबिक क्रिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी ग्लाइकोलाइसिस न पूछ करके एनएरोबिक प्रक्रिया में कितने एटीपी ऊर्जा मुक्त होते हैं ऐसे पूछ सकता है, तो भी इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोबिक मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में कितने एटीपी मुक्त प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, एरोबिक मेटाबॉलिज्म यहाँ पे पूछ रहा है, तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह प्रक्रिया होती है। यानी माइटोकार्डिया में आपने पढ़ा होगा क्रेब्स चक्र के बारे में, तो क्रेब्स चक्र में 36 ATP ऊर्जा मुक्त होते हैं और इसको एरोबिक मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे एरोबिक मेटाबॉलिज्म पूछा है। तो घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है। तो कुल मिलाकर के हमारे श्वसन कोशिकीय श्वसन में 38 ATP ऊर्जा मुक्त होते हैं, जिसमें से ग्लाइकोलाइसिस यानी अनएरोबिक प्रक्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में 2 ATP मुक्त होते हैं एंड ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी क्रेब्स चक्र में माइटोकांड्रिया में जो है 36 ATP ऊर्जा मुक्त होते हैं। दोस्तों जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है वो हमारे कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है एंड एरोबिक मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया जो है क्रेब्स चक्र जो होता है वो माइटोकार्डिया में संपन्न होता है, जो 36 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा मुक्त ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं। तो ऊर्जा कौन प्रदान करता है, एटीपी। तो एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। ठीक है, ये एटीपी जो है हमारे मांसपेशियों में संचित रहता है और हमारे समस्त शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेब्स चक्र, यानी इसको साइट्रिक एसिड चक्र भी कहते हैं। ठीक है, क्रेब्स चक्र को क्या कहते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा भी मत करिएगा, क्योंकि क्रेब्स चक्र ना पूछ करके साइट्रिक एसिड चक्र भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्रेब्स चक्र यानी साइट्रिक एसिड चक्र कहाँ पे पूरा होता है, तो माइटोकांड्रिया में पूरा होता है। ठीक है, एंड ग्लाइकोलाइसिस, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच का मध्यवर्ती कोएंजाइम क्या कहलाता है, एसिटिल कोलाइन। ठीक है, एसिटिल कोलाइन जो है ये हमारे ऊर्जा को स्थानांतरित करने का काम करता है। तो एसिटिल कोलाइन जो है ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के बीच का मध्यवर्ती कोएंजाइम है। ग्लूकोज के, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज के पाइरूविक अम्ल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों ग्लूकोज के पाइरूविक अम्ल में बदलने की प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, जो कहाँ पे संपन्न होता है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। एंड क्रेब्स चक्र यानी साइटिक एसिड चक्र कहाँ संपन्न होता है, माइटोकांड्रिया में संपन्न होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीपी किस प्रकार ऊर्जा देती है। हमारे जो एटीपी है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये किस प्रकार से ऊर्जा देती है, ये एटीपी जो है एडीपी प्लस पीआई मिला करके एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो एडीपी इस प्रकार एटीपी जो है एडीपी प्लस पीआई प्लस एनर्जी के रूप में ऊर्जा देता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन के बाद ऊर्जा का स्थानांतरण कौन करता है। जब हमारी पाचन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है उसके बाद ऊर्जा का स्थानांतरण कौन करता है, एटीपी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस के द्वारा बाहर निकलने वाली CO2 की मात्रा कितनी होती है। तो कितनी होती है, 4.4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट की मांसपेशी जो है वो कैसे मजबूत होता है, तो सीटअप द्वारा, ओब्लिक एब्डोमिनस जो पेट की मसल्स होता है वो सीटअप के द्वारा क्या करते हैं, मजबूत होता है। तो ये था मांसपेशी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट 2 में और सारे क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो ये 100-150 क्वेश्चन का सीरीज है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।